तीन दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के बाद किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसानों के द्वारा हरियाणा सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग उठाई जा रही है। किसानों के द्वारा जगह जगह पर अपनी खराब हुई फसल को लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र मांडी के द्वारा बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों का मुआयना कर खराब हुई फसलों का जायजा लिया गया। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक सुखविंद्र मांडी ने चरखी दादरी जिला के गांव अटेला, बिलावल, दुधवा, चांगरोड़, बालरोड़ समेत दो दर्जन गांवों में खेतों का दौरा कर किसानों के साथ मुलाकात की, जहां किसानों ने बताया कि उनके क्षेत्र में पहले ही पाले की मार से सरसों का उत्पादन कम हो गया था, तो वहीं अब कटाई के बाद वह खेतों में पककर खड़ी सरसों व गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बरसात के कारण जहां सरसों व गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो वहीं चना और सब्जी में भारी नुकसान हुआ है। हर वर्ष किसान मौसम की मार को झेलता जा रहा है, जिससे उनके आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है वह भी कागजी कार्रवाई के चलते काफी समय में मिल रहा है, जिससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुखविंद्र मांडी के द्वारा खेतों में पहुंच खराब हुई फसलों का जायजा लेते हुए किसानों को आश्वासन दिया गया कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री तक फसलों में हुए नुकसान की स्थिति को पहुंचाएंगे और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मौसम की मार झेल रहे किसानों के समर्थन में वह स्वयं हरियाणा सरकार के सामने मुआवजा दिलवाने के लिए किसानों की पैरवी करेंगे। चरखी दादरी जिले में, और मैं तो दादरी जिले के साथ साथ हरियाणा प्रदेश से जो सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं, बहुत सारे जिलों में किसानों को नुकसान हुआ है। जो ये बेमौसमी बारिश, इसके कारण जल भराव हुआ है और कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। आज के 12 गांव के मेरे अभी मुआयना करके मैं आया हूं, किसानों के बीच में जाके आया हूं, खेत खलियानों में मैं देख के आया हूं। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की प्राकृतिक त्रासदी किसान के ऊपर मैंने नहीं देखी, और निश्चित तौर पे जितनी अच्छी फसल किसान की थी, जितनी मेहनत किसान ने कर रखी थी, प्राकृतिक आपदा के कारण, ओलावृष्टि के कारण सारी की सारी किसान की फसल तबाह हुई है। सरसों को भी नुकसान हुआ है, गेहूं को भी नुकसान हुआ है, चने को भी नुकसान हुआ है, और कुछ सब्जियों के किसान थे उनको भी नुकसान की मार झेलनी पड़ी है। निश्चित तौर पे सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान किसान के साथ खड़ा होते हुए 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुआवजा देने का काम किया है, परंतु आज जिस प्रकार की त्रासदी हमारे क्षेत्र के किसान ने झेली है, तो आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अरदास लगाते हैं, ये निवेदन करते हैं कि विशेष गिरदावरी के जो आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, अब उसी के अंदर इनको भी शामिल करते हुए और इसकी भरपाई भी तुरंत प्रभाव से करें। कल जिस वक्त ओलावृष्टि की सूचना हुई थी, गाँव से किसानों के फ़ोन से संपर्क हमारे हुए थे, उसी दौरान शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से ये जो सारी परिस्थितियाँ थी हमारे क्षेत्र की, उसे अवगत करवाने का हमने काम किया था। और निसंदेह पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार किसान के साथ इस दुखी घड़ी में उनके साथ खड़ी है, और निश्चित तौर पे चाहे वो बीमा का किसान हो या जिस किसान ने बीमा नहीं करवाया, वो किसान को भी प्राकृतिक आपदा का जो मुआवजा तय सरकार ने किया है, उसके आधार पर गिरदावरी करवा के उसके नुकसान की भरपाई करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे।